कबूतरों को सबको मैंने दिया खोल जी, और इन्होंने निकल साथ हमेशा जैसे जैसे करते हैं इन्होंने अपनी मस्ती शुरू कर दी है। और पानी मैंने अभी नहीं किया, हमारे डाक वो देखिए आज भाग गई है पानी के पास, लेकिन आज इसको पानी नहीं हमने करना है। कल इसने काफ़ी नहा लिया तो मौसम है रात को अच्छा खासा हो जाता है ठंडा, तो ऐसा ना हो जाए कहीं बीमार ही ना हो जाए। तो माशाल्लाह आज मैं अपने प्रिंस और अपने मिट्टू को भी ऊपर लेकर आया हूँ। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए ये हमारे सेटअप पर आए ही नहीं है, तो मैंने कहा एक तो ये अपनी धूप अच्छी लगवा लेंगे और दूसरे ऊपर जो है ना ये आकर खुश बड़े होते हैं। ये देखो माशाल्लाह यहाँ थोड़ा सा दाना गिरा तो हमारे रैबिट्स इनके पास पहुँच गए। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों जल्दी से करते अपनी वीडियो स्टार्ट, वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर मजा आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल शेयर में शौक को सब्सक्राइब करना ना बोलिए। थोड़ी देर पहले ही बंद किए हैं, सुबह मैंने खोल रखे काफी देर, तो मैं इनके पास ही बैठा रहा हूँ। ये देखो माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आते हैं इसके। चलो इसकी बंद कर देता हूँ, थोड़ा बहुत ना ये छत पर एक तो नहीं है तो मुझे होता है कि डर मच जाए, और हमारे सेटअप पर बिल्ली तो आपको पता है हर टाइम घूमती रहती है, तो इसलिए मैं जरा इनको ना जब पास बैठता हूँ तो फिर उस टाइम इनको खोल देता हूँ। तो ये हमारे मिट्टू हो गया और हमारा प्रिंस हो गया, तो क्या करते हैं अपने मिट्टू को निकालते हैं, और निकालना प्रिंस को भी है लेकिन ना इसके थोड़े से पार जो है वो ट्रिम करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमने मिट्टू इस प्रिंस को बाहर निकाला तो ये हमारे से उड़ गया था, तो वापस तो आ गया लेकिन बड़ा मुश्किल से आया। तो सुनो हमारा जो मुर्गा है ना इसका रैबिट से डर नहीं खत्म हो रहा है, ये रैबिट से इसके पास है तो ये शोर मचाने शुरू कर देते हैं। ये माशाल्लाह हमारा प्रिंस, और ये भी बाहर आने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा है, लेकिन पहले इसके पार ट्रिम करेंगे। ये हमारा मुर्गा पता नहीं मिट्टू से मिलना चाह रहा है, ये अंदर दाना देख के ये दाना खाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ तो करने की इसका मूड कर रहे हैं। दोस्तों माशाल्लाह हमारा प्यारा सा प्रिंस, और काफ़ी दोस्त जो पहले के उन्होंने तो इसको पहले भी देखा हुआ है, और पार जो है ना इसके दोस्तों नए आए तो अच्छे खास इसके पार गए थे बड़, और लास्ट टाइम इसको रिहान ने ऐसे निकाला तो ये उड़ गया था। अभी बस इसके पार मैंने ट्रिम कर दिया तो अब इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा मेरे साथ गुस्सा कर है लेकिन ये खुद ही मसला ये खुद ही ठीक एक दो दिन में मेरे साथ हो जाएगा। ऐसे दोस्तों मेरा बड़ा दोस्त है, सिर्फ पारा काटने की वजह से ये हो गया। देखे मार मुर्गे काम देखे सारे कबूतरों को भगाई फेर है, तो जैसे जैसे ना ये पुराना होता जा रहा है ये अपनी आदतों पर आता जा रहा है। दोस्तों ना फिलहाल तो उसको मैंने केज भी बैठा दिया है, ये आज थोड़ा ना मेरे साथ भी इसने मूड बनाया हुआ है, चलो खैर ये भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा तो फिर इसको मैं दोबारा आपको पकड़ के इसका शौक करवाता हूँ जी। और मिट्टू मारा अभी तक बाहर नहीं निकला, जिसको मेरे ख्याल ना मुझे खुद निकालना पड़ेगा, असल थोड़े ये मुर्गे साथ साथ फेर है, ये एक बैठे हैं हमारे रैबिट बैठे हैं तो ये इतना आदि भी नहीं है तो ये वैसे भी डर रहा उन्हें जी। निकालते हैं और जो हमारे मुर्गे को टेंशन बनी हुई है ना उसकी वो टेंशन भी खत्म कर देते हैं। देखिए और कुछ नहीं है, ये इधर दाने खाने के लिए बार बार ये केज के चक्कर काट रहा था, ये देखिए बस यही था और कुछ नहीं था इसमें। ये मेरी खाने वाली मशीन है, अगर वो मुर्गी ने बाजरा बचा भी दिया ना तो ये मेरी खाने वाली मशीन पेर रही है तो ये एक सेकंड के अंदर सारा बाजरा खा कर दिखा देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि ये मेरी खाने की मशीनें हैं और कोई भी नहीं खाएगा तो ये जरूर खाएंगे, तो मैंने देखे वो मुर्गी ने थोड़ा सा बाजरा जहाँ से चुने तो फिर मुर्गी ने नहीं खाया, तो ये माशाल्लाह तीनों कैसे सर जोड़ के पूरी कोशिश के साथ इसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो हमारे प्रिंस के काम देख के ये इसने केज छलांग मारी है, साथ मिट्टू को भी इसने नीचे गिराया है और खुद यहाँ पर पहुँच गया, तो ये सिर्फ इसलिए मैंने इसके पार काटे हैं तो क्योंकि मुझे इसका पता था, आइडिया था मुझे इसका लास्ट टाइम जो उसने किया था। चलो खैर ये यहाँ बैठा रहे और मिट्टू माशाल्लाह देख के हमारा खुद बहुत फिर अपने केज पर जाके बैठ गया। हा 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 ये देखे माशाल्लाह, तो ये सारे जाएंगे दानों के, ये देखे वो देखो वो हमारा प्रिंस भी गया कबूतरों के अंदर। चलो खैर अच्छे वो भी वहाँ पर फिरता रहे कबूतरों के, उसने फिरना क्या सारे कबूतरों को भी वो डरा रहा है। सुनो मैं कल से ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि इनको सबको इकट्ठा दाना किया करूँ, हमारे रैबिट्स हो हमारे ये मुर्गे हो चाहे हमारा आप ये मिट्टू साथ हो जाए हमारा प्रिंस हो जाए, तो मेरी कोशिश है क्योंकि ये जितना इकट्ठे रहेंगे इनसे एक दूसरे डर खत्म होगा तो ये ज़्यादा छत पर रौनक बनाया करेंगे। सुनो ऐसे बस इकट्ठे गुंजे मिट्टू बाहर निकला है, वालेकुम सलाम, हाँ जी पहुँच आए हो। चलो खैर दोस्तों ना ये रिहान भी आ गए, मैंने बात सोच लिया तो ये क्या कर रहा हूँ मैं ये।
यार ऐसी ट्रेनिंग होगी ना, पहले उसको हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर छोड़ेंगे, वो उन परिंदों के साथ घूमेगा तो फिर वो उसका डर खत्म हो जाएगा। आराम आराम से आ जा, तो एक दो बार बस करेगा फिर खुद ब खुद ये ठीक हो जाएगा। तो इसके पार कटवाए जाचू? किसके? हाँ इसके पार मैंने ट्रिम कर दिए थे। मैंने कहा अच्छा मैंने निकाला ना, तो इसने फौरन ओढ़ने की कोशिश की। मैंने कहा वो लास्ट टाइम वाला काम ना हो जाए ना। हाँ, जैसे वो घूम के भी आ गया था, लेकिन इस बार हर बार नहीं ना चांस होता, एक दफा ही होता है ना। चला हमारे ब्रीडिंग वाले कबूतर, और इसमें एक ये जो पेयर है ये भी इंशाल्लाह आज कल अंडों में आ जाएगा। और यहाँ जो दोस्तों पेयर ने अंडे उतारे थे, अभी तो खैर दोबारा उसने अंडे नहीं उतारे। और एक दोस्तों यहाँ पेयर है तो वो अपनी नेस्टिंग कर रहे, उम्मीद है ये दो से तीन रोज के अंदर यहाँ भी अंडे आ जाएंगे। और इसके बच्चे कब निकलेंगे? पता नहीं कब निकलेंगे। ये दोस्तों माशाल्लाह जो टेडी पेयर है तो ये अपना यहाँ मजे से अंडों पर बैठे हुए, और ये मेरे कल बैठे भी अभी मेल हुआ है, तो फीमेल इसकी अभी बाहर होनी है जी। आपको इस पेयर की बात कर रही है, देखे ना नार मादी को भगाई पेयर है, और ये माशाल्लाह बड़ा आउट क्लास है हमारा। ये भी पेयर किधर गया है? इधर नीचे चला गया, ये देखे। तो ये इंशाल्लाह जल्दी ये पेयर भी हमारा अंडों पर आ जाएगा। ये देखे ये पेयर, ये अगला, तो इंशाल्लाह जल्दी अंडों पर आएगी। देखे ना तकरीबन मेरे ख्याल में दो से तीन रोज ये है इसको ज्यादा से ज्यादा, तो ये अंडे उतार देगा। पहले एक दफे इसने दो दफा ब्रीड किया हमारे पास, लेकिन इसके बच्चे हमारे पास जाया हो गए माशाल्लाह। ये देख टेढ़ी मादी बनी हुई है और नर भी टेढ़ी क्लास में बना हुआ है, और बड़ा ही आउट क्लास ये पेयर है जी। सेंटर में पेयर बैठे हुए, इसका मैंने आपको शौक भी करवाया था, देसी पेयर है माशाल्लाह जी। नर प्योर देसी में से और मादी गोल्डन में से बनी हुई है, और अंदर नेस्टिंग की हुई है वो भी इस पेयर ने ही की हुई है जी। तो माशाल्लाह हमारा पेयर अंडों पर तो बैठ गए, लेकिन ना मैंने जब भी कबूतर निकाले तो मैंने एक चीज देखी है, इस पेयर का ना जो एक अंडा है वो टूटा पड़ा है, वो दूसरे वाला यार नहीं जो भी उठाया तुमने, तो ये दोस्तों ना मेरे ख्याल में हाँ चलो वो देखो। तो एक जो अंडा हमने कल रखा था ना, उस अंडे में क्रैक आया हुआ था, ये देखो। लेकिन ये पेयर तो ये दूसरी मादी के, तो ये दोस्तों ना किधर गया ये देखे, तो ये अंडे में आ चुके हैं क्रैक। तो ना वो वाला अंडा जो हमने कल यहाँ से उठाया था और टोकरी में रखा था, तो इसने खैर टूट नहीं था क्योंकि ये उस फीमेल का था नहीं, तो खैर इसको हम उठा लेते हैं। और एक दोस्तों ये अंडा आया पड़े, और किधर? नहीं नहीं ये फीमेल है, दूसरा अंडा देना है अभी ना, ये तो वो पेयर पूरा लगे हुए है। तो एक फीमेल में आपको भी दिखाता हूँ, उसने आज सुबह ये वाला अंडा उतारा है जी। दोस्तों ना अंडे का हमारे पास हाल तो है, तो क्या करते हैं ना, आप तो हमारे पास मुर्गे हैं, तो इनको अंडा डालते हैं, मेरे ख्याल में तो ये अपना अंडा खा लेंगे। तो रेहान जी डालो उसको, तोड़ के डालो। हाँ तोड़ के डालो, अंडा तोड़ दिए और देखते हमारे मुर्गे। हाँ थोड़ा सा इधर ले उनको, मेरे ख्याल में रेहान नहीं खाएंगे ये, शायद खा ले। ये है दोस्तों फैंसी, पता नहीं ये अंडा खाती भी है, ले फौज तो आया ये, तो आएंगे आएंगे दोस्तों। जैसे आवाज के कारण वो मुर्गी को बुला रहे, आज दावत है, और ये देखिए हाँ तो पता नहीं ये नहीं खा रहे है ना, फिलहाल दोस्तों ये चेक कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये खाएंगे। सील होता ना उसने एक सेकंड लगाना था और सारे अंडा उसने खा देना था। दोस्तों वही काम बना ना कि हमारी डाक पहुंच गई नाने के ध्यान, बात सुनो उसको छोड़ दो, इसको ना डाकू ऐसे करो इसके केज में ले जाओ। तो कबूतर दोस्तों हमारे वैसे सारे जा रहे हैं खुद ही अंदर, कट्टू सारे अंदर चले गए, और उड़ने वाले भी तकरीबन खुद ही नीचे आ रहे हैं। तो सर जी हमारे डाक से डर रहे हैं, तो डाकू करते हैं ना बंद, बाद मुर्गों को बंद कर दो, सब भी क्या ना दाना पानी भी साथ कर लेते हैं। तो ये केज चलो वो कर लो पहले, ये दोस्तों ना अपने मुर्गों के साथ करते हैं बंद, रैबिट को नहीं जाने दो ना, मुर्गे डरेंगे उसे, चलो उसको निकाल लेते हैं, फिर अभी बंद कर लो उसको। दो चार कबूतर हैं ऊपर बैठे हुए, तो ये भी नीचे आ जाएंगे। बाकी जो ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं उनका दाना मैंने कर दिया, और जो ये कबूतर उड़ने वाले हैं उनका दाना और पानी दोनों मैंने कर दिए। आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल शेयर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों कल आपके साथ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।